इस मैच को लाइव देखना बिल्कुल ना भूलें। आप इस मैच को लाइव देखना बिल्कुल ना भूलें। आप बिल्कुल ना भूलें लाइव देखना। रणजीत सीवी जे गो डॉट बॉल। 11वां ओवर चलता हुआ, रन संख्या है 84, रन संख्या है 84, चार खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 2 रन की। पहला विकेट 31 पर, दूसरा 61, तीसरा 66, चौथा 71। इसी बीच रणजीत राइट आर्म लाउंगा, इस बार खेला एक्स्ट्रा कवर में, उसके लिए जब फील्डर है जब तक ही फील कर पाते हैं नहीं, गेंद जा रही है जाने के बाद 4 रनों के लिए। साहब सिंह का सारा 4 रन और राजेंद्र के बल्ले से निकला तीसरा चौका, रन संख्या हो गई इसी बीच 88 रन। 12 ओवर का मुकाबला है, इस ओवर के बाद 1 ओवर और आना शेष, उसके बाद जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में और वो खेलेगा दिगी से। आज इसी बीच पर 2 बजे से लाइव देख सकते हैं आप, जो जीतेगा वो फाइनल दिगी से खेलेगा। विजेता टीम को 11,000, उपविजेता टीम को 5,000, इसी बीच कट कर दिया है, बॉल जा रही है लेफ्ट में बामलाल की तरफ, उसके तो फील्ड कर रहे हैं, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन और पूरा कर लिया, 2 रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। रन संख्या हो गई इसी के साथ 90 रन। एम्पायर बता दे 2 रन है, 2 रन। ओवर की समाप्ति 11 ओवर, 90 रन, 4 विकेट, 2 रन। डेर ने ज्यादा विकेट नहीं कमाए लेकिन ज्यादा कोई बड़ा स्कोर अभी तक नहीं बना पाई इस विकल्प, क्योंकि 10 रन के लिए, क्योंकि काजोट बहुत ही अच्छी टीम है। अपना टाइम जोन चैनल को आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और आज का मैच जो जितने भी क्षेत्र में मैच चल रहे हैं वो आप लाइव देख सकते हैं। सीधी जाकर डाल सिंह 30 ओवर लेकर, इसी बीच इस बार बहुत ही अच्छी गेंद डाल सिंह की, नवल बंजारा 7वीं 8वीं बॉल को डॉट खेला, 8वीं बॉल को डॉट खेला नवल ने। इस बार फिर से डॉट खेला, अंतिम ओवर है, 2 बॉल एंड डॉट आ गई, बहुत ही अच्छी बात है ये खजूट के लिए। इसी भी डाल सिंह सामने है उनके, नंबर 1 जा रहा इस बार खेला, सामने लोग रणजी, जब तक यहाँ रन आउट कर दिया, सीधा डायरेक्ट थ्रो और रन आउट होते हुए यहाँ नंबर 1 जा रहा रणजीत के द्वारा 3 बॉल एंड आउट खेली आ गया। इसी भी डाल सिंह सामने उनके, इस बार खेल दिया, बॉल जा रही है एक टप्पा के बाद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। 94 रन हो गया, रन 94 हो गए, 1 रन आउट कराया, कोई रन नहीं मिला था, लेकिन इस बॉल पर चौका खा बैठे राजेंद्र के बल्ले से आया, इस बार हवा में थी बॉल पैर में लगने के बाद, और 1 रन दौड़ का पूरा कर लिया, ओवर थ्रो हो गया और इसी बीच 2 रन दौड़ का पूरे कर लिए, 96 हो गया। इस पारी की अंतिम बॉल और डॉट बॉल छियानवे रन चाहिए, जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में और खेलेगा दिगी के साथ खेलेगा फाइनल मुकाबला इसी पिच पर 20-20 ओवर। दिगी टीम तक यदि आवाज पहुंच रही हो तो बिल्कुल टाइम खराब न करें, खोटी न करें, बिल्कुल अपनी रथ यात्रा रथ लेकर जल्द से जल्द पहुंच जाए ग्राउंड पर। इस मैच को लाइव देखें, ओपनिंग जोड़ी जाती है लकी और हॉली। बहुत ही अच्छी गेंद गिरने के बाद बिल्कुल शरीर के ऊपर से निकली, स्टंप के ऊपर से छका दिया लकी राजा को, देख करके बिल खड़े देखा लकी राजा ने, जाने दिया छोटू खान के पास। 97 रन का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। इस बॉल को फिर से खेला एक टिप्पा के बाद गई सीधे बॉलर के हाथों में, कोई रन नहीं रन सकता। शनिवार है और आज
बहुत खराब, बहुत अच्छा कलर पहन के रखा उन्होंने राइट आर्म में। ओवरदा इस बार नहीं रोक पाएंगे लकी राजा को, और बॉल चली गई सीधे बनारस की नदी में चली गई। डीएल को चाहिए 10 विकेट या 12 ओवर में रोके। बहुत ही खराब बॉल, हवा में बॉल, उसके नीचे है पिलर, और पहली सफलता मिलती हुई रन को लकी राजा के रूप में। राजा राम राजा जो कि 99 की जर्सी है, 999 की, 999 है, और इसी भी चले हॉबी के लिए पहली बार, और इस बार खेल दिया लगातार रोजगार की बाबू के बाहर चार रनों के लिए 10 रनों का टीम को हो चुका है लकी राजा के रूप में। इस बार खेला बहुत ही अच्छा शॉट था लॉन्ग ऑफ पर, उसके नीचे फील्डर थे, कोई रन नहीं, बहुत ही दर्शनीय शॉट हॉबी के द्वारा। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया दो रन को, अच्छी शुरुआत दी ओम प्रकाश और धर्मेंद्र ने, लेकिन ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। साहब सिंह लेफ्टर राउंडर, बहुत ही अच्छी गेंद, गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, बैट नहीं चलाया राम राजा ने, देखा केवल एक विकेट के बाद खजर उठका। इस बार हवा में बॉल और एक टिप्पा के बाद सीधे चार रन के लिए चली गई, नवल बन जा रहा थे पास में, और लेकिन कुछ नहीं गुड्डू राजा क्योंकि कल 95 रन बनाए थे बहरवाड़ा में। इस बार फिर से बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इस बार कैसे जाके टकराई बॉल, बहुत ही अच्छी, इस बार हवा में उसके नीचे नवल बन जा रहा, और राम राजा को जाना होगा, यहाँ राम राजा को जाना होगा दूसरे विकेट का पतन। पहला विकेट 6 पर, दूसरा 18 पर, राम राजा हुए आउट, नवल के द्वारा कैच कराए गए, नवल के द्वारा हॉबी। इस बार सीधे खुला बैक टू द बॉलर को, ओवर 18 रन 2 विकेट खजरोट, नवल बन जा रहा कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा, सामने पुष्पराज, रंजीत कुमार आगे, रंजीत का नाम क्या नंबर है। इस बार पुष्पराज ने बॉल को पहुंचा दिया अयोध्या, उसके बाद चना में जाके टकराई, और दूसरा छक्का आता हुआ लगातार पुष्पराज के बल्ले, छक्के लगाए, 30 हो गया टीम का स्कोर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल छका दिया बल्ले, और यहाँ इसी बीच नंबर बन जा रहा राइट आर्म राउंडा, बहुत ही अच्छी गेंद डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 30 रन 2 विकेट खजरो। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार खड़ा सीधे हाथों में मिसफील होते हुए, जहां की कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां एक रन और मिल गया 31, और बॉल जाएगी बाहर छह रनों के लिए, 30 और 36 आएगी धर्मेंद्र। इस बार सीधे गई स्लिप में, और जय श्री राम हो गया, आउट हो गए। तक लगाए हैं अंकित, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अंकित, और इस बार 37 अंकित माली, बहुत ही अच्छी पावर प्ले समाप्त, बंधन हो गया खत्म। इसी बीच लेफ्ट आर्म ओवर था, और लेफ्ट आर्म राउंड था, बहुत ही खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग, नवल बन जा रहा इस बार हवा में, उसके नीचे फील्डर है, और जय श्री राम। इस बार कट किया सीधी गई बॉल स्लिप में, कोई रन नहीं है, यहाँ एक रन हो सकता था यहाँ की, उचित नहीं समझा अंकित ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर समाप्त, जरूरत विकेट बचे हैं 3, 15 रन चाहिए यहाँ से जीतने के लिए खजरोट को, 3 विकेट चाहिए डेढ़ रन को, जो कि बराबर बराबर का मुकाबला, दोनों टीमें दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, ये पता चल जाएगा।
फिलहाल नवल बन जा रहा है कोटे का तीसरा बल्लेबाज हम बदन बल्लेबाज अंकित। इस बार की आकार सीधे गई स्लिप में कोई रन नहीं, रन संख्या अभी भी 82। चैनल पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं। नवल बंजारा सिमी राइट आर ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए सामने अंकित पुष्पक। इस बार कट कर दिया, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और एक खराब फील्डिंग यहाँ जो कि शायद हो सकता है कि मैच हाथ में आ जाता, लेकिन खाता खुलना बाकी। बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ लेग स्लिप पर। इस बार कट कर दिया, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, उसके नीचे फील्डर है, जब तक उसको फील्ड कर पाएंगे उनको पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 84 उसके बाद सिंगल मिला, फिर एक चौका लगा तो 58 हुए, फिर 58 पर 14 बॉलों में 13। इस बार बहुत ही अच्छी गेम नवल बंजारा की। ओवर इस बार सीधे हाथों में फंसा लिया अंकित माली को, अंतिम बॉल पर विकेट मिल गया यहाँ 2 रन को, विकेट 20 रन बनाए, 4 खो गए थे अपना घर खो गए थे। वैसी भी छोटू खान चले, हल्के हाथों से खेला प्रदीप ने, कोई रन नहीं। अब 10 गेंद 11 गेंदे 13 रन। इसीलिए छक्का आ गया प्रदीप के बल्ले से, इसीलिए छक्का आ गया। अब हो गए 90 हो गए आपके, अब 7 रन चाहिए, अब 7 रन चाहिए। मैच बिल्कुल बराबर, दोनों टीमें काले खबर, वहीं मिल जाएंगी जयललिता भी। 10-7 बहुत ही अच्छी गेंद, इसी बीच एक ओवर, अब चाहिए छह। प्रदीप के बल्ले से आया 1 रन ओवर, फिर ऐसी भी छोटू खान चल रहा था, उन्होंने फिर सामने देखे। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया और 1 रन दौड़ का पूरा कर लिया, अब चाहिए 5 रन। देवेंद्र ने खाता खोला, अब चाहिए 5 रन। बोले मत, इसी बीच कट कर दिया, उसके लिए पीला रहे गंदों को पूरा कर लिया और 1 रन दौड़ का पूरा कर लिया, अब चाहिए चार। 7 बॉलों में प्रदीप के खाते में 1 रन और 9 पर पहुंच गए। हाल है अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, इस बार कट कर दिया ओवर की समाप्ति, अब 1 ओवर में चाहिए 4 रन। और 2 रन का टाटा बाय बाय हो गया, जय श्री राम। खजरोट पहुंच गई खजरोट टीम, क्योंकि खजरोट टीम के खिलाड़ी मिलते हुए 2 रन से, 2 रन 2 विकेट से इस मैच को हारा है। और आप देख रहे हैं अपना टाइम जोन पर इस मैच को, और 2 रन टीम से मिलते हुए साथ ही खिलाड़ी खजरोट के, बहुत ही अच्छी बात, धन अच्छा सहयोग अपना जो विशेष टाइम है इसको खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं।